अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये देखिए कितने सॉफ्ट और मुलायम उत्तपम है। इसे बनाना बहुत आसान है नारियल की चटनी के साथ। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे इडली राइस, उड़द दाल, पोहा, चना दाल। आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम डाल सकते हैं, मैं सिर्फ दो लोग के लिए बना रही हूँ। और इसमें पानी डालें, डाल कर दो चार घंटे इसको पानी में भीगने के लिए रखें। और भीगने के बाद दो चार पानी से अच्छे से धो लें, धोकर इसको एक जार में डालें, डाल कर इसका अच्छे से पेस्ट बना लें। पेस्ट बना कर इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र करें। अगर आपके पास टाइम रहा तो इसे ओवरनाइट छोड़ें, अगर टाइम नहीं रहा तो दो चार घंटे तो इसे रेस्ट देना ही ज़रूरी है। जितना टाइम इसको फर्मेंट होने के लिए रखें उतना अच्छा उत्तपम बनता है। मैं तो इसको ओवरनाइट रखी हूँ, देखो इसे अगले दिन सुबह कितनी अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। और इसमें आधा चम्मच नमक डालें, डाल के इसको अच्छे से मिक्स करें। और उत्तपम बनाने के लिए एक पैन लें, पैन में बैटर को इस तरह से स्प्रेड करें। इसको 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रखें और थोड़ा सा ऑयल डालें, डाल के पका लें। और देखिए कितने अच्छे से बनकर हो गया तैयार। नेक्स्ट, नारियल चटनी के लिए हरी मिर्ची, लहसुन, थोड़ा सा तेल डाल के अच्छे से भून लें। भूनने के बाद इसको साइड में रख लें। 1 कप नारियल और भुनी हुई मिर्ची लहसुन डालें, जीरा, फुटाने, नमक, इन सभी को पीस कर चटनी बना लें। तड़के के लिए थोड़ा सा तेल, जीरा, राया, लहसुन, करी पत्ता डाल के अच्छे से फ्राई कर लें। और ये देखिए तड़का हुआ रेडी। अब इसको चटनी पर तड़का लगाएं, अच्छे से मिक्स कर लें। मज़ेदार नारियल की चटनी बनकर हो गई तैयार। चलो सर्व करते हैं। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए कितने सॉफ्ट मुलायम बनके तैयार है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।